राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम शूरवीर। बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी दो साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली। बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए। हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं। ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम... हाँ बाबा बताओ, हमें क्या करना होगा? आजादी। अब हमें स्वतंत्र होना है। मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास। हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों। हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं करेंगे। इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी। गॉड, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है। यस सर, हमें कोई और तरीका सोचना होगा। सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू सर, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे। यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर। सिपाही। यस सर। हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो। यस सर। अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला।
उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची। अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन, दुश्मन आ गया। हम तैयार हैं बाबा। अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया। अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा। अरे चलो चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो। चलो 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 चलो। गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो। यस सर। जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा, सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप कर हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है। वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे। फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। करते yes. वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा। कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था, इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूर वीर था। शूरवीर। शूरवीर। अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत ये कार्यक्रम।
परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, विषय संयोजन प्रोफेसर सुरेश पांडे, विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर सत्य प्रकाश बान्याल, विषय परामर्श डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अनूप राजपूत, डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख डॉक्टर बी आर धर्मेंद्र, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, सतीश कक्कड़, सतीश महाजन, राजेश आहूजा और तिलक राम, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।